नमस्कार बीकेसी सी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड की क्लास फिफ्थ का लेसन थ्री इंग्लिश अ विजिट टू हेड स्टार्ट सेंटर हेड स्टार्ट केंद्र का भ्रमण तो देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं इट वॉज़ वेंट्सडे आज बुधवार है इट वॉज़ वेंट्स डे आज बुधवार था यानी यह बताया जा रहा है पुरानी बीती हुई बात वाज लिखा हुआ है ना इसलिए इट वॉज़ वेंट्सडे वह बुधवार था ऐसा कह सकते हैं ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास फाइव हैड असम्बल्ड एट द स्कूल कक्षा पाँचवी के सभी विद्यार्थी विद्यालय में असम्बल्ड एकत्रित हुए द टीचर टोल्ड देम दैट दे वर गोइंग ऑन देअर थर्ड विजिट टू देडस्टार्ट सेंटर शिक्षक ने उन्हें बताया कि वह तीसरी बार हेडस्टार्ट या अपना तीसरा भ्रमण हेडस्टार्ट केंद्र देखने जा रहे थे द बॉयज़ एंड गर्ल्स वर वेरी मच क्यूरियस लड़के व लड़कियाँ काफ़ी उत्सुक थे बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे दीपक द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो दीपक जो कि दूसरी पंक्ति में चौथे नंबर पर बैठा हुआ लड़का वॉन्टेड टू आस्क एक प्रश्न पूछना चाहता है बट द क्लास टीचर सेड परंतु कक्षा शिक्षक ने कहा लेट अस नाउ मूव टू द हेडस्टार सेंटर चलो अब हम हैरिस्ट स्टार्ट सेंटर या कंप्यूटर केंद्र की ओर चलें आई सेल एक्सप्लेन एवरी थिंग देयर मैं आपको वहां सब कुछ समझाऊंगा यू ऑल मस्ट वॉक इन अ क्यू लेकिन तुम सभी एक पंक्ति में चलो आगे देखते हैं दूसरा पैराग्राफ दे ऑल रीज द जन शिक्षा केंद्र वे सभी जन शिक्षा केंद्र पहुंच गए देवर ग्रीटेड बाई द हेड मास्टर उन्होंने हेडमास्टर सर या प्रधान पाठक या प्रधानाचार्य महोदय का अभिवादन किया द कंप्यूटर टीचर शूक हैंड्स विथ द क्लास टीचर और कंप्यूटर टीचर ने कक्षा अध्यापक से हाथ मिलाया ही लेड ऑल द स्टूडेंट्स टू द सेंटर और वे सभी विद्यार्थियों को केंद्र के अंदर ले गए वर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम इट वॉज ए क्लीन प्लेस उन्हें कंप्यूटर कक्ष में बिठाया गया वह एक स्वच्छ स्थान था गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन द कंप्यूटर टीचर बिगेन कंप्यूटर टीचर ने आरंभ किया सुप्रभात बच्चों एज यू

द कंप्यूटर टीचर स्माइल्ड एंड पॉइंटेड टू वर्ड्स एंड इंस्ट्रूमेंट द चिल्ड्रन अगेन शॉर्टेड मॉनिटर कंप्यूटर शिक्षक मुस्कुराए और उन्होंने एक यंत्र की ओर संकेत किया बच्चे पुनः चिल्लाए मॉनिटर यह मॉनिटर है दस वन आफ्टर द अदर दे गिव द नेम्स एज इसके बाद एक के बाद एक उन्होंने नाम बताए कीबोर्ड माउस लाउड स्पीकर यूपीएस सर मे वी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स टुडे। आस्क्ड रिचा। सर क्या आज हम कुछ भाषा वाले खेल खेल सकते हैं रिचा ने पूछा ऑफ कोर्स, सेड द टीचर बेशक टीचर ने कहा शिक्षक ने कहा द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इंटू थ्री ग्रुप्स कंप्यूटर टीचर और क्लास टीचर ने बच्चों को तीन ग्रुप में तीन समूहों में बांट दिया ईच ग्रुप वॉज गिवन अ कंप्यूटर सेट एंड कॉम्पैक्ट डेस्क प्रत्येक ग्रुप को एक कंप्यूटर सेट दे दिया गया और एक सीडी दे दी गई कॉम्पैक्ट डिस्क ऑफ देयर चॉइस उनकी पसंद अनुसार आगे देखेंगे द फर्स्ट ग्रुप प्लेड फास्ट फिंगर फर्स्ट पहला ग्रुप पहले ग्रुप ने फास्ट फिंगर फर्स्ट नामक खेल खेला रिचा फाउंड ऑल द अल्फाबेट इन फिफ्टी नाइन सेकेंड्स तो ऋचा ने सभी अक्षर उनसठ सेकेंड में ढूंढ लिए नीलम प्लेड हिट द बिगिनर नीलम ने हिट द बिगिनर नामक खेल खेला कैसे सी फाउंड उसने पाया ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विथ एम इन फिफ्टीन सेकेंड्स एम से शुरू होने वाले सभी शब्दों को पंद्रह सेकेंड में ढूंढा। असलम प्लेड हिट द हाइडिंग लेटर असलम ने छिपे हुए अक्षरों को ढूंढने वाला खेल खेला दे ऑल इन्जॉयड इट उन सब सभी ने इन खेलों का आनंद लिया द कंप्यूटर टीचर ओपन द गेम नेम राइट एंड ईवेल्यूट योर सेल्फ तो कंप्यूटर टीचर ने कौन सा गेम ओपन किया राइट एंड एवेल्यूट योर सेल्फ फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन दूसरे ग्रुप के लिए यह खेल शुरू किया हु इंग्लिश वर्ड्स एंड चेकड दैम उन्होंने कुछ अंग्रेजी के शब्द टाइप किए और उन्हें परखा उनकी जांच की द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकेबलरी गेम्स तीसरे ग्रुप ने वैबलरी गेम्स खेला दे ऑल प्लेड द गेम्स वन बाई वन उन सभी ने एक के बाद एक गेम्स खेले बॉथ द टीचर्स गाइडेड देम थ्रू द लेसन दोनों शिक्षकों ने उनकी पाठ में मदद की इन द एंड आखिरी में द क्लास टीचर आस्क्ड क्लास टीचर ने कहा सो व्हाट यू लर्न टुडे तो तुमने आज क्या सीखा सर इट्स वंडरफुल महोदय यह आश्चर्यजनक है यह अद्भुत है आई हैव लर्न लीस्ट ट्वेंटी फाइव वर्ड्स टूडे मैंने आज कम से कम पच्चीस शब्द सीखे आई वुड हैव लर्न दैम इन वन मंथ मैं उन्हें एक महीने में सीख पाता जो मैंने आज एक दिन में सीख लिया सेड असलम यह कौन कह रहा है असलम कह रहा है द अदर स्टूडेंट दूसरा विद्यार्थी एग्रीड विथ हिम दूसरे विद्यार्थी ने भी उनसे सहमति जताई वी सेल लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेंट्सडे थ्रो दीज मल्टी मीडिया लेशन इन मल्टी मीडिया पाठों की सहायता से अगले बुधवार को हम गणित सीखेंगे द क्लास टीचर सेट क्लास टीचर ने कहा वॉट इज अ मल्टीमीडिया लेशन एक मल्टी मीडिया लेशन या पार्ट क्या है आस्क्ड नीलम नीलम ने पूछा द टीचर एक्सप्लेन टीचर ने एक्सप्लेन किया दिस काइंड ऑफ लेशन यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स लॉन्ग विथ अ चांस फॉर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन दैम एंड फाइंड द करेक्ट आंसर शिक्षक ने समझाया कि इस प्रकार का पाठ श्रव्य दृश्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को उस पर काम करने का सही उत्तर जानने का मौका देता है इस तरह से हम मल्टी मीडिया लेशन तैयार करते हैं वन कैन प्रैक्टिस एज पर वंस चॉइस एंड स्पीड कोई भी अपनी पसंद व गति के अनुसार अभ्यास कर सकता है नाउ यू नो हाउ डू द कंप्यूटर हेल्प अस इन लर्निंग एंड टीचिंग अब तुम जानते हो कि कंप्यूटर किस तरह सीखने व पढ़ाने में सहायता करता है सर विल मैथमेटिक्स बी एज ईजी टू लर्न एज इंग्लिश आस्क्ड ऋचा ऋचा ने पूछा तो क्या सर गणित भी अंग्रेजी की ही तरह समझने में आसान होगी यस द लेसन मे बी क्विक क्विकली इंटरेस्टिंग द टीचर सेड हाँ ये पार्ट भी समान इंटरेस्टिंग होंगे द चिल्ड्रन थैंक्ट द कंप्यूटर टीचर एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल बच्चों ने कंप्यूटर शिक्षक का धन्यवाद किया और स्कूल के लिए निकल गए किनके साथ अलोंग विद द क्लास टीचर क्लास टीचर के साथ स्कूल के लिए निकल गए द चिल्ड्रन डिस्कस्ड देयर बच्चों ने वहाँ डिस्कस किया क्या किया एक्सपीरियंसेस ऑल द वे टू स्कूल स्कूल के रास्ते जाते भर में अपने अनुभवों को एक दूसरे से डिस्कस किया अनुभव बाँटें द जॉय एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ़ विजिटिंग द सेंटर कुड बी सीन ऑन देयर फेसेस केंद्र के दर्शन की खुशी व सुकून उनके चेहरे पर झलक रहा था तो बच्चों यहाँ पर पाठ का अध्ययन समाप्त होता है अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर यहाँ पर बताया गया है वर्क इज वर्कशिप यानी कर्म ही पूजा है चलिए एक्सरसाइज में आते हैं रीड एंड लर्न पढ़ो और सीखो पढ़ो और सीखो तो सबसे पहले है असेंबल असेंबल तो असेंबल मीन्स होगा इकट्ठा फिर है लैंग्वेज लैंग्वेज मीन्स भाषा अगला है ऑडियो ऑडियो मीन्स श्रव्य फिर है इंस्ट्रूमेंट क्या पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र अपराइट यानी ईमानदार मल्टीमीडिया यानी ध्वनि चित्र फिल्म प्रदर्शन का माध्यम आगे है एक्सप्लेन एक्सप्लेन मीन्स समझाना कॉम्पैक्ट डिस्क यानी बच्चों सी जो होती है उसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क विजुअल विजुअल मीन्स दृश्य इस तरह से इन्हें हमें पढ़ना और सीखना है तो हमें मेज द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स तो वो वर्ड्स को उनकी मीनिंग से मिलाना है पहला वर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है डिस्कस डिस्कस की मीनिंग क्या होगी टू टॉक अबाउट समथिंग टू डिसाइड कुछ निर्णय लेने के लिए बातचीत करना डिस्कस कहलाता है फिर है क्यूरियस क्यूरियस मींस होता है हैविंग अस्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो अबाउट समथिंग कुछ जानने के लिए एक प्रबल इच्छा शक्ति होना क्या कहलाता है क्यूरियस कहलाता है दूसरे नंबर के सामने हम इसे लिख देंगे पहले नंबर के सामने हम इसे लिख देंगे चलिए अब है क्यू क्यू मीन्स तो कतार होता है कतार होता है अ लाइन ऑफ प्यूपल कार्स एटसेट्रा वॉचिंग फॉर समथिंग और टू बी समथिंग कुछ करने के लिए कुछ देखने के लिए लाइन लगाना उसे हम क्यों कहते हैं इसे हम नंबर तीन दे देंगे तीन के सामने लिखना है ना फिर आगे अगला वर्ड है असेंबल असेंबल मीन्स इकट्ठा होना इकट्ठा होना मतलब टू कम टू कम टुगेदर एज अ ग्रुप एक ग्रुप में एक साथ इकट्ठा होना असेंबल कहलाता है नेक्स्ट वर्ड है ग्रीट ग्रीट तो क्या होगा ग्रीट मीन्स ग्रीट मीन्स होगा नमस्कार अभिवादन वेलकम तो वेलकम के सामने हम लिख देंगे नंबर पाँच फिर है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हमारे पास अगला वर्ड है इंटरेस्टिंग मीन्स रुचिकर अब रुचिकर क्या है यहाँ पर वर्ड रुचिकर के लिए अट्रैक्टिंग देखिए अट्रैक्टिंग अटेंशन बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल किसी स्पेशल की ओर अट्रैक्ट होना क्या कहलाता है इंटरेस्टिंग कहलाता है यहाँ हम नंबर छः लिख देंगे अब एक ही वर्ड और एक ही मीनिंग बची है अब आगे आता है इक्वली इक्वली टू द सेम डिग्री समान यदि कुछ है तो उसे हम इक्वली कहते हैं इसके सामने हम सातवां नंबर लिख देंगे इस तरह से मीनिंग को एक दूसरे के सामने लिखकर मैच कर देंगे फिर बी में क्या है बच्चों देखते हैं गिव वन वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस नीचे दिए गए एक्सप्लेनेशंस के लिए वन वर्ड लिखना है तो देखिए पहला शब्द है पहला शब्द समूह है वन हु टीचेस इज़ अ जो पढ़ाता है वह कौन है वह है टीचर वन हु टीचेस इज़ अ टीचर जो पढ़ाता है वह टीचर कहलाता है आगे देखते हैं वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज अ जो हवाई जहाज उड़ाता है क्या कहलाता है पायलट कहलाता है तो पायलट कहलाएगा तो पी आई एल ओ टी पायलट लिख दिया अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर है वन हु ड्राइव्स अ कार इज चलाता है क्या कहलाएगा ड्राइवर तो यहाँ लिख देंगे ड्राइवर तो फिर नेक्स्ट वर्ड है वन हु ट्रीट पेसेंट्स इज अ जो पेशेंट का इलाज करता है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है डॉक्टर पेशेंट का इलाज करने वाला क्या कहलाता है डॉक्टर कहलाता है अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे कॉम्प्रीहेंसन में है देखिए आंसर दीज क्वेश्चंस इन प्रश्नों के उत्तर देना है तो पहला प्रश्न क्या है वे आई डेड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चे कहाँ गए तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे द चिल्ड्रन गो के स्थान पर हो जाएगा वेंट गए थे द चिल्ड्रन वेंट उसके बाद टू देखिए Went टू जन शिक्षा केंद्र गए थे ना तो यहां लिख देंगे जन शिक्षा केंद्र जन शिक्षा केंद्र गए थे टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स तो यहां पर देखिए हमने क्या कर दिया यहां से शुरू करेंगे द चिल्ड्रन वेंट टू जन शिक्षा केंद्र टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स बन गया बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर अब चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं दूसरा प्रश्न है हा इन टू हाउ मैनी ग्रुप्स वर द चिल्ड्रन डिवाइडेड बच्चों को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया था तो द चिल्ड्रन द चिल्ड्रन और ये द चिल्ड्रन के बाद लग जाएगा ये वाला वर द चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इन टू अब हाउ मैनी के स्थान पर लिख देंगे थ्री ग्रुप्स हाउ मैनी के स्थान पर लिख देंगे थ्री टी एच आर डबल ई तो बन जाएगा द चिल्ड्रन सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब द चिल्ड्रन वर डिडेड इंटू थ्री ग्रुप्स द चिल्ड्रन वर डिडेड इंटू थ्री ग्रुप्स बन गया बच्चों उत्तर फिर चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं हु वाज द फोर्थ बॉयज़ इन द सेकेंड रो सेकेंड रो से चौथा बच्चा जिसने प्रश्न किया था वह कौन था तो हु के स्थान पर मात्र हमें क्या लिखना है हु को हटा देना है उसके स्थान पर लिखना है दीपक था वह बच्चा वह बच्चा दीपक था तो दीपक वाज द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो फिर नेक्स्ट है चौथा प्रश्न वट गेम्स डिड द चिल्ड्रन प्ले ऑन द कंप्यूटर्स बच्चे कंप्यूटर में जो खेल खेल रहे थे वे कौन से खेल थे तो चिल्ड्रन अब यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे चलिए यहाँ नीचे लिखते हैं आंसर चौथे वाले प्रश्न का आंसर यहाँ लिखते हैं चिल्ड्रन प्लेड सम लैंग्वेज गेम्स कौन से गेम्स खेल रहे थे तो लिख देंगे द चिल्ड्रन प्ले के स्थान पर प्लेट डीड हटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों द चिल्ड्रन प्लेट द चिल्ड्रन प्लेट सम लैंग्वेज गेम्स सम लैंग्वेज गेम्स भाषाई खेल खेल रहे थे ऑन द कंप्यूटर तो बच्चों बनेगा द चिल्ड्रन प्लेट सम लैंग्वेज गेम्स ऑन द कंप्यूटर ठीक है बच्चों आप पाँचवें प्रश्न का उत्तर होगा वट इज अ मल्टी मीडिया लेशन मल्टी मीडिया लेशन क्या होता है किसे बोलते हैं हम मल्टी मीडिया लेशन तो पाँचवें प्रश्न का आंसर होगा यहाँ पर लिख देते हैं मल्टी मीडिया लेशन से शुरू करेंगे आ मल्टी मीडिया लेशन देखिए इतना तो हम यहीं से लिख देंगे और इज़ लगा देंगे उसमें uh, या फिर इतना ही लिखें मल्टी मीडिया लेशन उसके बाद चलिए यूज़ेस इसके बाद लिखेंगे यूज़ेस ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट्स क्या करता है मल्टी मीडिया ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स फैक्ट्स यानी हमें चित्र भी दिखाता है और आवाज़ भी दिखाता है अलोंग विथ अ चांस ऑफ चिल्ड्रन टू वर्क ऑन देम एंड फाइंड द करेक्ट आंसर तो यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स टू लर्न इतना लिख देंगे बच्चों तो क्या होता है आ मल्टीमीडिया लेसन यूजेस ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट्स टू लर्न इतना हम उत्तर लिख देंगे पांचवें प्रश्न का और अंत में हम छठवा प्रश्न ले लेते हैं वट सब्जेक्ट वट शुड हैड दे प्लान टू लर्न द नेक्स्ट वेंट्स डे हमें अगले बुधवार के लिए क्या प्लान किया गया था क्लास में क्या प्लान किया गया था अगले बुधवार में क्या सीखने का प्लान किया गया था तो लिखेंगे दे उसके बाद लगा देंगे हेल्पिंग वर्क सबसे पहले लिखेंगे छठवे का उत्तर दे उसके बाद ये हैड लगा देंगे दे हैड प्लान उन्होंने प्लान किया था क्या प्लान किया था टू लर्न दे हैड प्लान टू लर्न मैथमेटिक्स क्या सीखने का प्लान था मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेंसडे दिखिए नेक्स्ट वेंसडे नेक्स्ट वेंट्सडे छ हो गया आंसर बच्चों तो इन छह प्रश्नों के उत्तर के बाद हम पहुंचते हैं राइट द फेमिलाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग यानी अब हमें जेंडर चेंज करना है जेंडर देना है मैस्कुलाइन जेंडर के रूप में हमें वर्ड दिए हुए हैं तो चलिए इनका फैमिला जेंडर हम देते हैं सबसे पहले हमारे पास है प्रिंस तो प्रिंस का जेंडर होगा प्रिंसेस तो यहाँ पर लिख देंगे प्रिंसेस प्रिंस के आगे प्रिंसेस और मैन मतलब मनुष्य आदमी पुरुष तो ये ओमेन हो जाएगा महिला एम ए एन मेन एक वचन में है तो एम ए एन यहाँ भी एम ए एन ही लिखा जाएगा फिर है हॉर्स अगला वर्ड है हॉर्स हॉर्स का फेम नाइन जेंडर हो जाएगा मेयर घोड़ी फिर लॉयन तो लॉयन का हो जाएगा लॉयनस एल आई ओ एन ई डबल एस लॉयस फिर है सन तो सन का फेम नाइन हो जाता है डॉटर डी ए यू जी एच टी आर डॉटर फिर एक्टर है तो एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस ए सी टी आर ई डबल एस एक्ट्रेस इस तरह से हमें फेमिनाइन जेंडर लिखना है बच्चों आगे है राइट द मीनिंग जेंडर ऑफ द फॉलोइंग मेस्कुलाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग तो हमें अब फेमिनाइन जेंडर दिए हुए हमें उसके मैस्कुलाइन जेंडर लिखना है तो सबसे पहला वर्ड हमारा है मदर तो मदर का मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा फादर फिर है आंट दूसरा वर्ड है आंट आंट मतलब चाची तो अंकल हो जाएगा चाचा उसका मैस्कुलाइन जेंडर फिर है सिस्टर मतलब बहन तो उसका हो जाएगा ब्रदर यानी भाई बिच मीन्स कुतिया तो हो जाएगा डॉग मीन्स कुत्ता फिर है हैन हैन मीन्स मुर्गी तो कॉक मींस मुर्गा फिर है नाइस नाइस मीन्स भतीजी तो नेफ्यू मीन्स हो जाएगा भतीजा इस तरह से हमें मेस्कुलाइन जेंडर में बदलना है फेमिलाइन जेंडर को अब तीसरे नंबर के एक्सरसाइज पर आते हैं यहाँ पर सी नंबर पर राइट ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ द गिवन कार्डिनल नंबर्स फर्स्ट टू आरडन फॉर यू हमने कार्डिनल नंबर दिया है उसे ऑर्डिनल नंबर में बदलना है जैसे वन को हम बोलते हैं फर्स्ट टू को बोलते हैं सेकंड वन को बोल दिया फर्स्ट टू को बोल दिया सेकंड तो हम थ्री को क्या बोलते हैं थ्री को हम बोलते हैं बच्चों थर्ड तो यहाँ लिख देंगे थर्ड तो फोर को हम क्या बोलते हैं फोर को बोलते हैं फोर्थ फोर four को बोलते हैं फोर्थ फिर फाइव को फाइव को ये देखिए हम किस में बदल रहे हैं ऑर्डिनल नंबर में बदल रहे हैं कार्डिनल नंबर को ऑर्डिनल नंबर में बदल रहे हैं तो देखिए फाइव को हम बोलेंगे फिफ्थ फाइव को क्या बोलेंगे फिफ्थ सिक्स Six को सिक्स्थ आसान है पी एच लग रहा है बस सेवन Seven को सेवंथ ये देखिए इसमें भी केवल टी एच लगा एट को एर्थ इसमें भी केवल टी एच ही लग, एच बस लगा है एथ फिर आगे नाइन है तो नाइन्थ नाइन्थ एन आई एन टी एच और टेन है तो टेंथ इलेवन है तो इलेवंथ और ट्वेल्व है तो ट्वेल्थ ट्वेल्थ, इस तरह से हमें बच्चों बदलना है कार्डिनल नंबर्स को ऑर्डिनल नंबर्स में ओके बच्चों अब आगे बढ़ते हैं डी नंबर की एक्सरसाइज पर डी में है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग एप्र। द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रिकेट्स ब्रिकेट्स में दिए गए वर्डों से सही शब्द चुनकर हमें खालिस्तान में लिखना है डैश मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी तो क्या हो जाएगा द फर्स्ट मंथ क्या लगेगा द फर्स्ट द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी तो साल का पहला महीना क्या है जनवरी है फिर है फ्राइडे इज डैश डे ऑफ़ द वीक, फ्राइडे कैसा दिन है तो इज द फिफ्थ यहाँ आ जाएगा फिफ्थ फ्राइडे इज़ द फिफ्थ डे ऑफ द वीक वीक का पाँचवा दिन है फिर आया नेक्स्ट कृष्णा इज डैशन ऑफ हिज पेरेंट्स कृष्णा अपने बच्चों मतलब माता पिता का कौन सा पुत्र है द टू नहीं बोलते बोलते हैं द सेकेंड क्या बोला जाता है द सेकेंड तो बोलेंगे कृष्णा इज द सेकेंड सन ऑफ हिज पेरेंट्स देखिए बच्चों अब है दे आर वर डैश बॉयस टेन या द टेंथ का यूज करना है तो क्या हो जाएगा दे आर वर टेन कितने बच्चे थे टेन बालक थे बॉयज इन डैश रूम कौनसें नंबर के रूम में तो दसवें नंबर के फोर्थ नंबर के रूम में द फोर्थ या फोर तो फोर्थ नंबर के रूम में तो यहाँ पर हम लिखेंगे द फोर्थ रूम इसी प्रकार यहाँ पर देखिए पाँचवें नंबर पर हम करेंगे डैश मैन कैम आउट संख्या फिर पूछी जा रही है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा सेवन मैन कैम आउट बट आई नो आई न्यू ओनली मैं केवल कितने लोग आए सात लोग आए लेकिन मैं केवल किसे जानता हूँ सातवें व्यक्ति को जानता हूँ द सेवंथ को द सेवन तो सात लोग आए लेकिन मैं केवल सातवें व्यक्ति को जानता हूँ अब बच्चों आगे है लेट्स टॉक आओ बात करें क्या बात करना है आस्क योर फ्रेंड एंड गेट हिज हर रिप्लाई इन द फॉलोइंग पैटर्न अपने प्रश्न से अपने दोस्त से प्रश्न कीजिए और नीचे दिए गए पैटर्न पर उनका उत्तर पाएं। क्वेश्चन है वेयर आर यू सीटिंग टुडे वेयर आर यू सीटिंग टुडे तुम आज कहाँ बैठ रहे हो रिप्लाई किस टाइप का आएगा आई एम सीटिंग इन दिक्सथ row today. मैं आज छठवीं लाइन में बैठ रहा हूँ जैसे क्लास में बच्चे आते हैं ना तो कौन सी लाइन में बैठ रहे हो तो फिर अगला है नाउ गो टू अदर फ्रेंड्स एंड आस्क दैम वन बाई वन दूसरे दोस्तों से भी पूछे क्या पूछेंगे वेयर आर यू सीटिंग today तुम आज कहाँ बैठ रहे हो लेट दैम रिप्लाई इन अ सिमिलर मैनर इसी तरह से उनका भी उत्तर आप प्राप्त करो तो ये एक्टिविटी हमें करना है बच्चों फिर आगे है लेट्स रीड आओ पढ़ें क्या है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली नीचे दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर एट और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है चलिए पैसेज पढ़ते हैं ए फ्रॉग लिव्ड इन अ वेल एक मेंढक एक कुआ में रहता था इट वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर इस मेंढक का जन्म और पालन पोषण वहीं पर उसी कुएं में हुआ था वन डे ए फ्रॉग दैट लिव्ड इन द सी केम एंड फेल इन टू द Well, एक दिन समुद्र में रहने वाला एक मेंढक वहाँ आया और उस कुएं में गिर गया वेयर आर यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम द सी जब उससे पूछा गया कि तुम कहाँ से हो तो उसने बोला मैं समुद्र से हूँ द सी हाउ बिग इज दैट इज इट एज बिग एज माई वेल क्या समुद्र उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी मेरी कुआ है माई फ्रेंड सेट द फ्रॉग फ्रॉम द सी समुद्र से आया हुआ मेंढक कहता है हाउ डू यू कम्पेयर द वेस्ट सी विथ योर लिटिल वेल तुम तुम्हारे छोटे से कुएं की तुलना मेरे विशाल समुद्र से कैसे कर सकते हो वेल देन सेड द फ्रॉग फ्रॉम द वेल कुएं के मेंढक ने कहा तब ठीक है नथिंग कैन बी बिगर देन माई वेल मेरे कुएं से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता तुम यू आर अ लायर तुम झूठ बोल रहे हो द फ्रॉक फ्राम द सी स्माइल एंड सैट कुएं के ओ, समुद्र के मेंढक ने मुस्कुराया और कहा ओ नो माई डियर आई एम नॉट अरे नहीं मेरे प्रिय दोस्त मैं झूठा नहीं हूँ यू मस्ट गो टू आउट फ्रॉम द वेल टू सी द वर्ल्ड आउट साइड तुम्हें कुएँ से बाहर जाना चाहिए और बाहर की दुनिया देखनी चाहिए बच्चों हमारे में एक कहावत भी है ना कि कुएँ का मेंढक जो ज़्यादा अधिक घूमा हुआ नहीं होता अधिक बातें नहीं जानता उसके लिए एक कहावत कही जाती है कुएँ का मेंढक तो उसी पर यह कहानी है पहला प्रश्न लेते हैं पहला प्रश्न है वेयर डिड द फर्स्ट फ्रॉग लीव पहला मेंढक कहाँ रहता था तो लिखेंगे आंसर इसका द फर्स्ट फ्रॉग देखिए यहीं से शुरू करेंगे द फर्स्ट फ्रॉग फ्रॉग और डिड है इसलिए लिव्ड हो जाएगा तो एल आई ई डी हो गया डिड हटा तो लिव्ड इन वेल कहाँ रहता था कुए में रहता था फिर दूसरा प्रश्न लेते हैं वेयर डिड द सेकेंड फ्रॉक लिव दूसरा मेंढक कहाँ रहता था तो शुरू करेंगे उत्तर द सेकेंड फ्रॉक और यहां पर डिड लगा है, इसलिए हो जाएगा ल्यूट द सेकेंड फ्रॉक ल्यूट इन दी इन दी वह कहा का रहने वाला था समुद्र का रहने वाला था तीसरा प्रश्न है वट डिड द फर्स्ट फ्रॉग ऑस्क द सेकेंड फ्रॉग वन डे एक दिन पहला मेंढक जो कुएं का मेंढक था उसने समुद्र के मेंढक से क्या पूछा क्या पूछा द फर्स्ट फ्रॉक से शुरू करेंगे उत्तर द फर्स्ट फ्रॉग आस्क का हो जाएगा आस्कड क्योंकि डिड हट जाएगा द फर्स्ट फ्रॉग आस्कड द सेकेंड फ्रॉग सेकेंड फ्रॉग वेदर दी वाज एज बिग एज इट्स वेल पूछा कि क्या समुद्र भी वेदर द सी सी वेदर द सीवाज एज बिग एज बिग एज इट्स वेल एज इट्स वेल कि उसकी कुएं के बराबर ही उनका समुद्र भी बड़ा है क्या ऐसा प्रश्न मेंढक ने पूछा पहले मेंढक ने दूसरे मेंढक से पूछा फिर चौथा प्रश्न है वाई वाज द फ्रॉग फ्रॉम द वेल एंग्री तो आंसर लिखेंगे द फ्रॉग फ्रॉम द वेल एंग्री वेल वॉज एंग्री यहां पर कर देंगे द फ्रॉग फ्रॉम द वेल वॉज एंग्री और वाई लगा इसलिए हम क्या लिख देंगे इसमें बिकॉज क्यों एंग्री हुआ बिकॉज द फ्रॉग फ्रॉम द सी सैड यहां लिखते हैं द फ्रॉग फ्रॉम द सी द सी सेट क्या कहा भाई सी के फ्रॉग ने दैट हाउ कुड ही कंपेयर दैट हाउ कुड हाउ कुड ही कंपेयर हाउ कुड ही कंपेयर द वेस्ट सी विथ हीज लिटिल वेर द वेस्ट सी देस्ट सी थ हीज little लिटिल well, वैल उसके महान बड़े आकार के समुद्र की तुलना कुए से कैसे कर रहा है कैसे कर सकते हो तुम ऐसा बोला ना उसने समुद्र के मेंढक ने। अंतिम प्रश्न लेते हैं वट डिड द फ्रॉग From the sea, advice to the other frog. दूसरे मेढक को समुद्र के मेढक ने क्या सलाह दिया तो क्या सलाह दही दिया उसने बोला कि भाई आप बाहर निकल कर देखिए दुनिया बहुत बड़ी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे द फ्रॉक तो यहाँ पर आंसर लिखते हैं द फ्रॉक फ्राम द सी एडवाइस के स्थान पर हो जाएगा एडवाइस्ड द अदर फ्रॉक इतना तो प्रश्न से लिख देंगे टू गो आउट क्या लिखेंगे टू गो आउट टू गो आउट फ्रॉम द वेल फ्रॉम द वेल कि तुम कुएं से बाहर निकलो टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड बाहरी दुनिया को देखो इस तरह बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है अब पहुंचते हैं लेट्स राइट पर लेट्स राइट रीड द फॉलोइंग सेंटेंस देयर आर ट्वेल्व मंथ्स इन अ ईयर एक वर्ष में बारह महीने होते हैं जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर जनवरी महीने का पहला महीना है मतलब वर्ष का पहला महीना है नाउ राइट सिमिलर सेंटेंस अबाउट द वीक डेज ऐसे ही सिमिलर सेंटेंस हमें बनाना है बिगिन लाइक दिस इस तरह के देअर आर सेवन डे इन अ वीक एक महीने में सात दिन होते हैं इस तरह के फिर फिर अपने को क्या करना है कि मंडे तो मंडे क्या है इसी तरह से जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर तो ऐसे लिखेंगे मंडे इज द फर्स्ट इज द फर्स्ट डे मंडे क्या है फर्स्ट डे ऑफ द वीक वीक का पहला दिन है फिर ऐसे ही लिख सकते हैं ट्यूजडे ट्यूजडे इज द सेकेंड डे सेकेंड है ना वो डे ऑफ द वीक डे ऑफ द वीक ऐसा भी लिख सकते हैं मंथ से संबंधित भी लिख सकते हैं कि फेब्रुवरी इज द मंथ मंथ ऑफ द ईयर इस तरह से भी सेंटेंस हम बना सकते हैं और अगला सेंटेंस लिख सकते हैं शेंबर इज द ट्वेल्थ ट्वेल्थ मंथ ऑफ द ईयर इस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं बच्चों अब आगे इसी तरह के आप भी तीन सेंटेंस और बनाइए फिर बी में हम लेते हैं रीड द नोट गिवन ब्लो इस नीचे दिए गए नोट को पढ़ना है दिसंबर फोर्टीन टू थाउजेंड सेवेंटीन वन पी एम डियर मनोज तो एक बजे यह मैसेज लिखा गया चौदह दिसंबर दो हजार सत्रह को वी आर गोइंग टू प्ले अ क्रिकेट मैच हम एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं नेक्स्ट संडे एट टेन ए एम रीच ऑन द प्ले ग्राउंड इन टाइम तो हम खेलने क्रिकेट खेलने जा रहे हैं कब जा रहे हैं अगले रविवार दस बजे सुबह रीच द प्ले ग्राउंड इन टाइम आप प्ले ग्राउंड समय पर पहुंच जाना श्याम तो यह किसने लिखा श्याम ने लिखा आगे है यू आर पंकज अब आप कौन हैं पंकज हैं राइट अ शॉर्ट नोट एक शॉर्ट नोट लिखना है एंड इंफॉर्म योर फ्रेंड दैट यू और अपने दोस्त को इन्फॉर्म करना है यू आर गोइंग ऑन अ पिकनिक तुम एक पिकनिक में जा रहे हो विथ योर क्लास टीचर्स तुम्हारे क्लास टीचर के साथ नेक्स्ट मंडे अगले सोमवार आस्क हिम टू ज्वाइन यू तुम्हें ज्वाइन करने के लिए उन्हें पत्र लिखिए तो जैसे देखिए बच्चों अब अपने को इसी तरह से लिखना है कब जा रहे हैं नेक्स्ट मंडे जा रहे हैं तो देखिए हमको शुरुआत ऊपर के पत्र की तरह ही लिखना है तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर डेट तो डेट लिख देते हैं जैसे कि आज की डेट या कोई भी आप डेट लिख सकते हैं तो लिख दीजिए थर्टी थर्टी जनवरी जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इस तरह से आपने लिख दिया फिर समय लिख दिया समय यहाँ लिख दिया इलेवन ए एम इस तरह से आपने टाइम लिख दिया फिर जिसे लिख रहे हैं उसका तो किसे लिख रहे हैं पंकज को हम तो खुद पंकज हैं और अपने दोस्त को इन्फॉर्म कर रहे हैं फ्रेंड का यहाँ नाम नहीं दिया तो फ्रेंड का नाम हम लिख देते हैं डियर मोहन यहाँ लिख दिया मोहन वी आर गोइंग हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं ऑन अ पिकनिक विथ आवर क्लास टीचर ऑन अ पिकनिक देखो यहाँ दिया है ना पिकनिक जाने की बात कही गई है विथ योर क्लास टीचर तो लिखना पड़ेगा पिकनिक विथ आवर विथ आवर क्लास टीचर क्लास टीचर उसके बाद लिख देंगे कब जा रहे हैं ऑन यहीं पर लिख देंगे ऑन नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट मंडे अगले सोमवार को जा रहे हैं अब जहाँ भी जा रहे हैं है ना स्थान का नाम लिखा नहीं है यहाँ आस्क टू हिम ज्वाइन यू तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे सो प्लीज सो प्लीज ज्वाइन अस ज्वाइन अस इफ पॉसिबल यदि पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन करो आकर चलते हैं साथ में है ना इस तरह से हमने और आखिरी में लिख देंगे आपका दोस्त पंकज क्योंकि यहाँ पर आपका नाम क्या बताया गया है पंकज इस तरह से हमें पत्र लिखना है बच्चों अब आगे है लेट्स डू इट आओ इसे करें क्या करना है तो यहाँ पर लिखा है गो टू योर नियरेस्ट स्टार्ट सेंटर आपके नियरेस्ट जन शिक्षा केंद्र में जो हेड स्टार्ट सेंटर है वहाँ जाइए एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द सीडीज़ सीडीज़ की लिस्ट बनाइए अवेलेबल देयर जो उनके पास उपलब्ध है राइट देयर डिटेल ऑन द फॉर्मेट गिवन ब्लो और इस फॉर्मेट में उस डिटेल को एकत्रित करना है सब्जेक्ट टाइटल कंपनी ड्यूरेशन इन चीज़ों को हमें वहाँ पर नोट करना है तो बच्चों आज की हमारी यह क्लास यहीं समाप्त होती है धन्यवाद